बढ़िया सर, चलिए बढ़िया ओके। बढ़िया। ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के लोग किधर रह गए आज? इंडिया हार गई, सबका मन उदास हो गया, ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं यार, हार जीत लगी रहती है। फटाफट से ज्वाइन करिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। यस, सभी लोग आ गए, फटाफट से आ जाओ। ओके, तो आज जो है बेसिकली जो बाकी की चीजें रह गई है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में केस स्टडीज जो अपन कवर कर रहे थे, राइट, वही चल रहा था ना, ऐसा याद है ना? हाँ, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं और आज से ही कंपनीज एक्ट शुरू कर दें। चलो, लेट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है, अगर टाइम परमिट करता है तो आज से ही कंपनीज एक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है, चलेगा एवरीवन? फिर आवाज नहीं आ रही, सब खामोश हो जाते हैं। चलो आगे आ जाओ फटाफट से, ज्वाइन कर लो सभी लोग। कौन कौन आ गए? सभी लोग आ गए, चलो आ जाओ फटाफट से। एंड बाकी के लोग आ जाओ फटाफट से। और कोई है? सभी लोग आ गए, बच्चे लोग, यस सर, एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से फटाफट से। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम आप लोगों का कब से है? फर्स्ट 1 दिसंबर से है। तो एक बात बताओ, हमारा जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नवंबर के पहले पहले हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग अपने टारगेट पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? सर 28 से हमारा मॉक टेस्ट है। हम मॉक टेस्ट है ना, 28 तक ख़त्म भी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, 28 29 तक ख़त्म कर देंगे। मतलब 30 मैंने डेट रखा हुआ था। मैं देखो धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि 10 दिन में 20 दिन में कंप्लीट करके फिर आपको छोड़ दूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, इट्स बेटर कि मैं आधे घंटे 1 घंटे डेली सेशन लेता रहूँ, यस है कि नहीं? तो एक बार सिलेबस खत्म भी हो जाएगा ना, तो भी अगर आप लोग कहोगे, आप लोग रेडी रहोगे, तो मैं आधे आधे घंटे का सेशन तब तक लेता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है। और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले अपन मैराथन सेशन लेंगे। विल यू गाइज रेडी फॉर मी, रेडी फॉर इट? यस सर, यस सर, एग्जाम ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से बोनस रहेगा आप सबके लिए कि अपन मैराथन लेंगे, 3-4 घंटे का सेशन रहेगा, क्लियर है, जिसमें से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस 3-4 घंटे में खत्म कर देंगे अपन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, दैट इज बिजनेस लॉ आपका पूरा। तो एक यस बार, सर, हाँ, तो जिस दिन आपका पेपर रहेगा लॉ के पहले वाला पेपर, ठीक है, या तो उसी दिन शाम को ले लेंगे ताकि नेक्स्ट डे आप अपनी रिवीजन जो है आप अपना कर सको, या तो आप कहोगे तो मॉर्निंग में ले लेंगे, इसके बाद आप अपनी पढ़ाई करते रहो। हार्डली 3 to 4 आवर्स लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, और इस 3-4 घंटे में सारा एक्ट कवर कर लेंगे आप। क्या बोलती है क्लास? यस सर, यस रेडी सर, हो? रेडी हो इन चीजों के लिए? यस चलो, सर, बढ़िया यस बढ़िया, सर, आप टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लेना। टेंशन ले रहा है क्या कोई लॉ में? नो सर, मत लेना यार, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। आप बताओ, इतना मेहनत करने के बाद भी टेंशन लोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूंगा करके, है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अपन मैराथन सेशन लेंगे, ठीक है, उसमें आपके जो भी बच्चे हों, जो भी स्टूडेंट्स हों, जो भी फ्रेंड्स हो, आप सबको बोल सकते हो, दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 3 से 4 घंटे का, बस वो सेशन मिस मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि जितना भी हमने 3 महीने में मेहनत किया है उसका पूरा जूस निकाल देना है हमको उस 3-4 घंटे में। आ रहा है बात समझ में? तो एक तो मेरा 3-4 घंटे के हिसाब से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, लॉ का हो जाएगा, और इसके यस बाद जो है, इसके बाद आप अपनी भी रिवीजन कर रहे होगे, तो आपकी रिवीजन की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप मेरे साथ कर चुके होगे, हाँ या ना? सर, ठीक है, यस सर, चलेगा एवरीवन? मेहनत के ऐसा लिए रेडी रहोगे ना, मेहनत से कंजूसी तो नहीं करोगे ना, पक्का? चलो, नो सर, वेरी गुड, भरोसा है मुझे यार। अमन, अमन बोल रहे हैं ना? कौन बोल रहा है? अमन बोल रहा है, भरोसा है बेटा, भरोसा है, आप सब पे भरोसा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 आता है बेटा। मिस्टर एम इज वन ऑफ द 4 पार्टनर्स इन मेजर्स एक्स वाई इंटरप्राइजेस। ही वॉज अ सम ऑफ 6 crores टू हिज फ्रेंड मिस्टर जेड, which he is unable to pay on due time, so he wants to sell his share in the firm to Mr. Z for settling the account amount in the light of the provision। एक बात बताओ, सेक्शन तो को अभी गोली मार दो, क्या ये प्रोविजन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? यस सर,
हाँ, ये कौन सा प्रोविजन था बेटा, सेक्शन मत बताना। सर ये नॉर्मल प्रोविजन क्या था कि अगर आप किसी को शेयर अपना ट्रांसफर करते हो तो उसके पास जो है प्रॉफिट लेने के अलावा बाकी और कोई राइट्स नहीं रहेंगे, यही मतलब था, यस सर यही प्रोविजन था। अब बता दो सेक्शन कौन सा है बेटा, 29 ये देख के बता रहे हैं आप, मतलब पक्का याद है? याद है सर। पक्का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पे मिस्टर एम इज वन ऑफ द फोर पार्टनर्स इन मेसर्स एक्स वाई एंटरप्राइजेस। ही ओज अ सम ऑफ ₹6 crores टू हिज फ्रेंड, ओके, मिस्टर जेड, व्हिच ही इज अनेबल टू पे ऑन ड्यू टाइम। बराबर है, यस और नो? सो ही वांट्स टू सेल हिज शेयर इन द फर्म टू मिस्टर जेड फॉर सेटलिंग द अमाउंट। ओके, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ जरा फटाफट से क्या क्या है। कैन मिस्टर एम वैलिडली ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय वे ऑफ सेल? बोलो जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये सब कर सकता है। सेल करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, नहीं सेक्शन सर। 29 परमिट करता है, यस ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, अब ये बोलते हैं साहब व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब अब जो नया वाला बंदा आ रहा है जिसको शेयर मिला हुआ है उसका राइट्स क्या होगा बेटा, क्या वो प्रॉफिट इंजॉय कर सकता है? यस, प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? ऐसा शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा, नंबर वन। नंबर टू, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्या एसेट पे भी उसका शेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। बस यही दो राइट्स थे उसके पास, यस और नो? ऐसा यही राइट्स थे, हाँ या ना? इसके ऐसा अलावा ऑब्लिगेशंस क्या थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑब्लिगेशंस क्या थे? ऑब्लिगेशंस क्या थे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, इंस्पेक्टर कोई भी मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, बिजनेस में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बिजनेस के ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, यस और नो? यही सब था। हाँ, अब इसमें सेकंड में, ऑब्लिगेशंस तो नहीं होंगे हाँ जी बेटा, सर, इनको ऑब्लिगेशंस थोड़ी बोल सकते हैं, इनको तो रेस्ट्रिक्टेड राइट। वही वही रिस्ट्रिक्शंस ना, रिस्ट्रिक्शंस, सॉरी सॉरी, ऑब्लिगेशंस नहीं, रिस्ट्रिक्शंस इनको थे, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज थे कि ये काम ये नहीं कर सकते, यस और ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी एज सच नहीं था, बराबर है, बट ये रिस्ट्रिक्शंस इसके लिए इम्पोज था, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब बताओ व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर इन केस मिस्टर एम वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, अगर बोलो जरा फटाफट क्या मतलब बोलना चाह रहा है बेटा? सर अगर मिस्टर एम रिटायर करेगा तो हाँ मिस्टर जो मिस्टर जेड हैं हाँ उनके पास क्या राइट्स रह जाएंगे? क्या राइट्स रह जाएगा, कोई बताएगा मुझे? भाई एक बात सीधी से समझो, उसको ऐसा अपना पैसा लेना है एम से या नहीं लेना है? सर लेना है। लेना है। क्या एम के रिटायरमेंट को वो रोक सकता है क्या? सोच के देखो, नहीं रोक सकता। नो सर। भाई एम से वो पैसा लेने का हकदार है, बोलो हाँ या ना? ऐसा एम से वो पैसा लेने का हकदार है, बराबर है। अच्छा अब ये बोला था कि भैया मैंने जो है क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है फर्म का, बोलो हाँ या ना? यही लिखा है, बाय वे ऐसा ऑफ सेल मैंने क्या किया बेटा, इंटरेस्ट जो फर्म का है उसका जो भी शेयरिंग था वो उसने क्या कर दिया था बेटा, सेल कर दिया था उसको, यस और नो? यस। अब ये बोलता है व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर इन केस मिस्टर एम वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बताओ जरा फटाफट से, अगर एम रिटायर होना चाहता है, तो एम अगर रिटायर होगा तो जो उसने अपना शेयर किसको दिया था, जेड को, क्या वो भी खत्म हो जाएगा बेटा? सर खत्म हो जाएगा, पर जितनी भी एसेट रियलाइज होंगी एम की हाँ उसके ट्रांसफर हो एग्जैक्टली जाएंगे जेड के क्या नाम। मतलब बोल रहा है कि भैया अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसका एसेट उसके पास आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा फटाफट से, आ जाएगा आएगा। सर। और क्या वो एसेट में जितना उसका शेयर होता है, यस और 6 महीने का उसका जो प्रॉफिट उसको ऑलरेडी मिल चुका है, डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट होगा क्या रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस सर। मिस्टर एम से रिकवर कर सकता है पर्सनली? मिस्टर एम से वो रिकवर कर सकता है, फर्म से रिकवर कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर सकता है, यस और नो? तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जरा फटाफट से, एम रिटायर हो सकता है और एम का जो भी एसेट आएगा उससे जो भी उसका शेयर निकलेगा वो पैसा उससे ले सकता है, बोलो हाँ या ना? ऐसा यस तो सर। देखो सेक्शन 29 क्या बोलता है बेटा,
A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage, by the creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee during the continuation of the firm to interfere. ये restriction था, बोलो हाँ या ना? Yes, accounts sir. नहीं देख सकता, books of account inspect नहीं, but entitles the transferee only to receive the share of the profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the accounts of profit agreed to by the partner. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और इन द केस अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी एसेट आएगा उस एसेट का शेयर जो है वो ले सकता है. यही दो चीजें बताई थी बेटा. यस सर. ठीक है. इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्रोविजन ऑफ लॉ, बराबर है क्या? तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ देख लिया और फैक्ट ऑफ द केस देख लिया, बराबर है क्या? इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आंसर क्या है बेटा? मिस्टर एम कैन वैलिडली ट्रांसफर हिज शेयर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय वे ऑफ सेल, नंबर वन. नंबर टू, अगर वो रिटायरमेंट होता है तो मिस्टर जेड विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द कमन रिमेनिंग पार्टनर, क्या? रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर. ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. जिस दिन डिसॉल्व हो रहा है फर्म, यस और नो, या जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है, बोलो जरा फटाफट, उस दिन वो अकाउंट चेक कर सकता है या नहीं चेक कर सकता है बेटा? बोलो जरा फटाफट, कर सकता है. सो इन द केस ऑन मिस्टर M's retirement, Mr. Z would be entitled to receive the value of Mr. M's share to the extent of, come on, 6 crores in the firm's asset. इतना ही पैसा लिया था उसने, कितना लिया था? 6 crore लिया था या नहीं लिया था? Yes, sir. तो वो बोलेगा भाई ठीक है आप रिटायर हो जाओ, आपको रिटायर होने से तो मैं नहीं रोक सकता, बट हाँ जो मेरा 6 crore है अब अगर आपके प्रॉफिट से नहीं मिल रहा है तो मैं आपके एसेट से लूंगा. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 22 आता है बेटा. गो अहेड. सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टनर्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये डिसोल्यूशन की बात कर रहा है और ये बोल रहा है साहब क्या है, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. बताओ जरा फटाफट से क्या क्या है बेटा, कैसे कैसे सेटल करोगे? सर पहले प्रॉफिट से हम लोग देंगे, बचा हुआ एसेट से और बाकी कैपिटल. मैंने क्या बताया, अगर डिसॉल्व हो रहा है फर्म है ना तो आपके पास दो बैलेंस आएगा, एक तो कैश बैलेंस होगा, बोलो हाँ या ना, एंड नंबर टू रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा. यस सर. बराबर. और तीसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, बराबर है क्या? यस सर. Accumulated profit मतलब वही cash balance, बराबर है क्या? ये आपका total हो गया. फिर इसमें बोलते हैं priority set करो, सबसे पहले किसको pay करना है बेटा? सबसे पहले क्या करना है बेटा? Loss of current year, yes or no? Yes sir. ठीक है. इसके बाद loss करने के बाद फिर क्या करना है बेटा? जितना भी balance amount बचा क्या करोगे बेटा? Debtor जो भी creditors हैं उनको pay करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? क्रेडिटर्स को पे करेंगे. क्रेडिटर्स में भी किसको सबसे पहले पे करोगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यस और नो? यस सर. फिर इसके बाद किसको पे करना है, जल्दी बोलो फटाफट से. क्रेडिटर को पे कर दिया, स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसको पे करना है, बोलो हाँ या ना? यस सर. ओके, स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने के बाद फिर क्या पे करना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यस और नो? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस. इसके बाद अगर लोन वगैरह लिया वो भी पे करना पड़ेगा. Yes, हाँ, तो ये इसको पे करने के बाद फिर लोन टू आउटसाइडर देन लोन टू पार्टनर पे करना पड़ेगा. इसके बाद पैसा बच गया तो क्या करना पड़ेगा बेटा? कैपिटल रिपेमेंट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर. एंड इसके बाद अगर कुछ रेसिड्यू बैलेंस बच गया तो डिवाइडेड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड करना पड़ेगा. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यही था. yes, तो हाँ, तो सबसे पहले किसको पे कर दो बेटा? थर्ड पार्टी को, फिर कैपिटल या जिससे भी लोन लिया हो, बोलो हाँ या ना? और इसके बाद जो भी बचा किसको डिवाइड कर दो अमंग्स द पार्टनर्स. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस सर. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड? ये क्या मतलब हो गया बेटा? सब पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? पर्टिकुलर टाइम के लिए, पक्का ना?
पर्टिकुलर टाइम कहाँ पे पढ़ा था बेटा, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म, यही बोलते थे, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये कौन सा सेक्शन था बेटा, आई थिंक सेक्शन 8 था, हाँ या ना, 6 7 8 याद करो, 6 7 8 6 में जहाँ पे रियल रिलेशन चेक करते थे, याद आया क्या? सेवन पे क्या था, सेवन पे क्या था, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप इन विल, पार्टनरशिप एट विल था, एंड देन लास्ट पॉइंट क्या था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब कर सकते हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बट क्या ये इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप आएगा क्या? नो सर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो कब आता था बेटा सर, जब या तो किसी काम के लिए किया जाता है, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, बोलो हाँ या ना? यस सर। यही था ना, यस और नो, और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड किसके लिए आ रहा था बेटा, सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल, वही सेक्शन 8 में आएगा ना। नहीं नहीं मेरी बात समझना, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड किया हुआ है अगर आपने, या सुनो, या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में दो चीजें थी ना, एक तो बिजनेस था एडवेंचर, या सुनो देख लेते एक बार फटाफट से, सेक्शन नंबर 2 था ना, कौन सा था, चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 7 8 ओके 7 इधर गया सर, पार्टनरशिप एट विल क्या लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था बेटा, पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग है, तो ये किसमें किसमें आ रहा है बेटा, ड्यूरेशन वाले में आ रहा है ना, हाँ या ना भाई, ये लिखा ना, नो प्रोविजन इज मेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर द ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन की बात ना कही गई हो, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या बोल रहे हैं, पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तो सेक्शन 8 जो है वो क्या है बेटा, किसकी बात कर रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, किसकी बात कर रहा है बेटा, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, एक तो पार्टनरशिप एट विल, एक पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, बोलो हाँ या ना, पर्टिकुलर में नहीं आएगा, बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पे, मैंने बोला था ना, अगर मान लो मैंने पार्टनरशिप रखी 3 साल के लिए, तो ये क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड पीरियड के लिए, बराबर है, बट जैसे ये पीरियड एक्सपायर हुआ और फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये जो पीरियड, ये क्या करेगा बेटा, पार्टनरशिप एट विल, यही था, बोलो हाँ या ना, यही था ना, यस और नो, तो ये बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे आएगा बेटा, सेक्शन 8 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सेक्शन 7 लगेगा, where a provision is made by a contract for the duration of the partnership, partnership is called as what, come on, fixed period, aur uske aage bhi agar aap continue karte ho to wo kya kehlayega beta, partnership at will kehlayega, I hope I am clear or not clear, yes sir, yes, fir aate beta, can a minor become a partner in a partnership firm, justify your answer and also explain the rights of a minor in a partnership firm, kaun sa aayega beta, section number 30, already humne discuss kar liya tha minor wala, bolo ha ya na, yes sir, yes, sir. ऑलरेडी माइनर वाला डिस्कस किया हुआ था, बोलो हाँ या ना, उसे प्रॉफिट ले लेगा, या सुनो इंस्पेक्शन कर सकता है, या सुनो सू कर सकता है या नहीं कर सकता है, पार्टनर्स को कर सकता है, यस सर कर सकता है, या सुनो, बट क्या उसको सू किया जा सकता है, नो सर, किया जा सकता है बट पर्सनल प्रॉफिट आप नहीं ले सकते उससे, यस सर, हाँ पर्सनल प्रॉफिट ले सकते हो क्या आप उससे, बोलो जरा फटाफट से, नहीं, नो सर, नहीं ले सकते हो, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उसको सू किया गया था, बोलो हाँ या ना, पढ़ रहे हो आप लोग, चलिए पढ़ते हैं एक बार, Mrs. ABC Associates is a partnership firm since 1990, ठीक है? A, B and C were partners in the firm since beginning, okay? Mr. A, being a very senior partner of aged 78 years, transfers his share in the firm to his son, Mr. Pratik, a chartered accountant. Mr. B and Mr. C were not interested that Pratik joined them as partner in Mrs. ABC Associates. After some time, Mr. Pratik felt that the books of accounts were displaying only a small amount as profit
despite a huge turnover. He wanted to inspect the books of account of the firm, arguing that it is his entitlement as a transferee. However, the other partners believe that he cannot challenge the books of account. Can Mr. Pratik be introduced as a partner if his father wants to get a retirement as an advisor, help them resolve the issues, applying the necessary provisions from the Indian Partnership Act 1932? आगे सबसे पहले ये बताओ कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है बच्चे लोग तो पहले तो वो ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट वाला होगा ये कौन सा चैप्टर है बेटा इनकमिंग ऑफ पार्टनर है बोलो हाँ या ना यस सर इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर हाँ तो आउटगोइंग नहीं है ना जा थोड़ी ना है इनकमिंग ऑफ पार्टनर है मतलब ये आने वाला है बराबर है क्या माइनर है क्या ये नो सर नो माइनर नहीं है मतलब मेजर है मतलब 30 नहीं लगेगा बोलो हाँ या ना यस सर यस सर बराबर है तो एक तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे डाउट क्या था सर एक तो ही कैन नॉट चैलेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट एक ये पॉइंट था बोलो हाँ या ना आंसर अपने को सोच समझ के दे रहा है कि क्वेश्चन या इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं तो इस बार कोई सिचुएशन नहीं इस बार इश्यूज आ रहा है बोलो हाँ या ना हाँ he wanted to book the inspect the books of account of the firm arguing that it is his entitlement as a transfer however the other partners believe that he cannot challenge the books can Mr. Pratik be introduced a partner if his father wants to get a retirement क्या इसको introduce किया जा सकता है अगर उसके पापा retirement हो जाते तो दूसरा question और कोई issue है क्या इसमें और कोई issue नहीं है नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में आप समझते हैं अब चूंकि ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे एज वगैरह दिया है क्या इसका नहीं दिया है बट चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एज्यूम कर रहे हैं भाई कि 18 के ऊपर ही होएगा बोलो हाँ या ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 18 के ऊपर होएगा बोलो हाँ या ना yes, इसमें sir. कोई डाउट नहीं है तो मतलब माइनर वाला पॉइंट नहीं आ रहा है सेक्शन 30 नहीं लगेगा बराबर अच्छा माइनर का जो एडमिशन होता है बेटा वो कैसे होता है दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ चलो माइनर नहीं है मेजर है तो बताओ जरा कैसे कर सकते हैं बेटा मेजर है तो कैसे कर सकते हैं चलो आ जाओ एक बार देखते हैं किधर गया इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर हाँ ये क्या बोलते हैं साहब 30-31 क्या बोल रहा है अगर 30 की बात नहीं है तो नो पर्सन ये लिखा ना सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कमन कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो जरा फटाफट से क्या बोल रहा है ये क्या मतलब बोल रहा है जल्दी बोलो फटाफट से माइनर की बात कर रहा है बेटा ये सारे पार्टनर्स की बात कर रहा है सारे पार्टनर्स की बात कर रहा है यस और नो मतलब अगर कोई भी पार्टनर आएगा तो बताओ जरा फटाफट क्या कंसेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए होना चाहिए सर यस तो इस केस में बताओ क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है नो सर जल्दी बोलो फटाफट से कैन मिस्टर प्रतीक बी इंट्रोड्यूस अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट अ रिटायरमेंट नो सर तो ऐसा नहीं लिखना कि इसको नहीं कर सकते क्या लिखने का तरीका होना चाहिए Mr. Pratik can be admitted as a partner only with the consent of all the partners. That is B and C. Bolo haan ya na? Yes, sir. Yes. Picture yes, clear hai ya nahi clear hai? Yes or no? Achha. Dusra. Ab ye kya bol raha hai? Kya Pratik jo hai, books of account access kar sakta hai? No, sir. Nahi kar sakta. Bolo zara fatafat. Kya access kar sakta hai? No, sir. Achha. Ab is case mein batao, isko partner banaya gaya tha ya? जो उसके पिताजी थे उनने अपना शेयर ट्रांसफर किया है प्रतीक को शेयर ट्रांसफर किया है वही बोल रहा है ना इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट अ रिटायरमेंट यही लिखा हुआ है बोलो हाँ या ना तो इस केस में बताओ जरा फटाफट से क्या अगर उनके पिता चाहे तो प्रतीक को क्या अपॉइंट कर सकते हैं एज अ पार्टनर कर सकते कोई दिक्कत नहीं है बट सिर्फ उस केस में क्या रहेगा बेटा राइट्स आ रहा है बात समझ सिर्फ वो शेयर ले सकता है बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता बोलो हाँ या ना यही मतलब है यस और नो यही है देखो यहाँ पे ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इधर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन टू इंटरफेयर ये बताया था कि नहीं बताया था अकाउंट्स भी नहीं चेक कर सकता है बराबर है या नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट भी इंस्पेक्ट नहीं कर तो अगर
उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है एज अ पार्टनर आए, तो वो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना, आ सकता है? यस सर, आ सकता है, बट 31 में नहीं आएगा। यस और नो? यस सर। आप एज अ पार्टनर उसको इंट्रोड्यूस नहीं, आप क्या कर सकते हो, एज अ ट्रांसफर ही आप उसको ला सकते हो। यस और नो? जहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपना शेयर क्या किया हो बेटा, ट्रांसफर किया। बोलो यस और नो? उस केस में सिर्फ उसके पास क्या राइट्स रहेंगे बेटा, कि वो प्रॉफिट ले सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, शेयर ऑफ एसेट ले सकता है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये मिस्टर प्रतीक, द ट्रांसफरी इन मिसेस एबीसी एसोसिएट्स कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड कंटेंशन ऑफ द अदर पार्टनर इज राइट दैट मिस्टर प्रतीक कैन नॉट चैलेंज द बुक्स ऑफ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच कोर्ट में डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये बताया था आपको, यस और नो, इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, बराबर है, या कोई इश्यूज क्रिएट हो जाए, यही था परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट हो जाए, ब्रीच हो जाए, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो, कंटिन्यूस परपेचुअल, ये पूरा एज इट इज बताया था। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस। तो यहाँ से हमारा बेटा पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप का है, पूरा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर सेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा? 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्वेश्चंस आपके किसमें मॉड्यूल्स में, वो भी आप देख लीजिएगा। राइट, आरटीपी वगैरह देखा आपने? नहीं देखा? यस सर। सजेस्टेड आंसर एमटीपी आरटीपी देखा या नहीं देखा? उसमें भी जो भी क्वेश्चन है वो भी आप डिस्कस कर लेना बेटा, ठीक है? क्लियर है? गो थ्रू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को अगर टाइम परमिट करेगा मैं वो भी कवर करूंगा, पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, नंबर वन इज एलएलपी एंड नंबर टू इज कंपनीज एक्ट, वो अपन कवर कर ले। बराबर है क्या? यस सर। यस सर। तो आज शुरू करें कंपनीज एक्ट या कल से शुरू करना है? आज से। आज से शुरू कर ले। आज से। आधा घंटा और है अपन कंपनीज एक्ट जो है अपन शुरू कर लेते हैं, चलेगा एवरीवन? यस सर। आज 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 फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें बेटा, यस और नो? तो ये बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया था, इनएक्टमेंट कौन से ईयर में हुआ? 1872 में हुआ है, ठीक है? ओके, इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब हुआ है बेटा? 1930। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड अब कंपनी से कहां पे आ रहा है बेटा? 2013 में। 13। हां या ना? मतलब yes, अगर मेरी बात आप समझोगे ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं आई, ये अमेंडेड है। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनेंस एक्ट ही पूरा जो यहाँ पे ये जो एक्ट था, राइट, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया बेटा, ये एक्ट ही कंपनीज एक्ट जो पहले 1956 लगता था, क्या लगता था बेटा, 1956 चलता था, 2013 में सब्सटेंशियल अमेंडमेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सब्सटेंशियल अमेंडमेंट हुआ। ये सुनो, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया बेटा, अब कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेटा कंपनीज की, राइट, तो कंपनीज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या मेरे को, कंपनी का मतलब क्या होता है?
सर एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसमें ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो कि लिमिटेड होती है, ठीक और है? उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है। ओके। उसको मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, एनी अदर पॉइंट सर? इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है मेंबर्स की, मिनिमम पब्लिक कंपनी हो तो 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी हो तो 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग से होते हैं। ओके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब भी बनाना जरूरी है। ठीक बात है, और कोई कुछ बताना चाहेगा बेटा? यस कम ऑन एवरीवन, और कोई कुछ बताना चाहेगा? क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ तो आई थिंक सभी है ना, क्रिएटेड बाय लॉ तो सभी है आई थिंक। क्रिएटेड बाय लॉ जो है वो तो सभी है। चलो आ जाओ देखते हैं फटाफट से। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, अगर मैं ये सबसे पहले ये पूछूं, डिफरेंस लेता हूं कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप समझोगे तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप होता है बेटा, दैट इज जहां पे पार्टनर और फर्म दोनों एक ही होते हैं। बोलो हाँ या ना? सिर्फ इसको इंडिविजुअल बॉडी बोला जाता है, तो ये कलेक्टिव बॉडी है। यस और नो? कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ पार्टनर है। यस सर। कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ पार्टनर है। यस और नो? मतलब जो लायबिलिटी पार्टनर की होगी वही लायबिलिटी फर्म की होगी, अनलेस देर इज सम पर्सनल बिजनेस और देर इज सम ऑपरेशन वेयर देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। यस और नो? यस सर। बेसिकली यही है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में क्या बनाया गया है, कंपनी में ध्यान समझिएगा, जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी जिसको आप बोलते हो क्या कंपनी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों क्या है बेटा? अलग अलग चीजें हैं, राइट? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, पार्टनरशिप फर्म जब हम तब बनाते हैं बेटा जब दो या तीन या चार पार्टनर, यस और नो? इट इज ऑलवेज बेटर देन टू हैव व्हाट प्रोप्राइटर बिजनेस, यस और नो? प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा, सिंगल ओनर होता है, वही सारे काम क्या करता है बेटा, मैनेज करता है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक चीज स्कोप, जितने भी स्कोप अवेलेबल है सब लिमिटेड बेसिस पे होते हैं, यस और नो? वाह क्या बात है, एक नंबर। हाँ क्या बेच रहा है वो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है? तो अब चूंकि अकेला बंदा है तो अब वो परचेज देखे, सेल्स देखे, कस्टमर देखे, क्रेडिटर्स देखे, कंप्लायंस देखे, क्या क्या देखे, अकेला बंदा कितना कर पाएगा, यस और नो? अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, अपने अंडर पे क्या रख सकता है बेटा, इम्प्लॉयज रख सकता है, यस और नो? तो इम्प्लॉयज को मैनेज करना, फिर बिजनेस मैनेज करना, इंटरनल स्ट्रक्चर मैनेज करना, एक बंदे के लिए बताओ जरा फटाफट से, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो हमेशा वो चाहेगा कि जो मेरा दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड रहे। बोलो हाँ या ना? वो बहुत ज्यादा मार्केट एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं देगा, बहुत ज्यादा गुड्स को एक्सपेंड करने पर, डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं देगा। बोले यार इतना आ रहा है साहब ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बोलो हाँ या ना? ऐसी मेंटेलिटी होगी या नहीं होगी प्रोप्राइटरशिप की? यस सर। बराबर ना? क्योंकि वो उतना ही करना चाहेगा जितना वो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा, वो बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहेगा अपना, हाँ या ना? पर जिसके ख्याल, जिसकी सोच राइट थोड़ी सी बड़ी होगी तो बोलेगा यार एक काम करते हैं, अकेले तो नहीं कर पा रहा हूँ, चलो तुम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं तुमको प्रॉफिट शेयर कर दूंगा। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को पार्टनरशिप। क्या बोलते बेटा? पार्ट। यहाँ पे 3-4-5 मालिक होंगे जो साथ में मिलके बिजनेस कर रहे होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा मालिक, मैक्सिमम मालिक कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, पता है किसी को? सो 50। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। कितने हो सकते हैं बेटा? 50। बट 50, अब आप समझ रहे हो, 50 पार्टनर मतलब टाइम्स इसका बिजनेस जो है प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है?
एक एक बंदा एक एक ओनर है, राइट? और ये 50 लोग मिलके अगर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस एकदम हाई लेवल पे जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। पर अगर बिजनेस मुझे और बड़ा बनाना, इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करनी है, नंबर ऑफ बिजनेसेस लाने हैं, तो बताओ जरा फटाफट से, इस केस में पार्टनरशिप भी काम कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर अगर आपको पैसा इतना, सर सपोज मान लो 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, इतना पैसा चाहिए, पार्टनरशिप फर्म काम करेगा क्या? सोच के देखो। नो सर। क्या इन पार्टनर 50 लोगों के पास इतना पैसा होगा क्या? सोचो ना, जब आप बात करते हो मुझे 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 50,00,000 करोड़, ऐसे पैसे चाहिए, बताओ जरा फटाफट से, इनके पास पैसा होगा क्या? 50 बंदों के पास, ये 50 बंदे कितने का काम कर रहे होंगे बेटा? 100 करोड़, 200 करोड़, हाँ या ना? 250 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, इतना ही होगा, बोलो हाँ या ना? Yes. पर जब आप बात करते हो 10,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की, 70,000 करोड़ की, तो फिर पार्टनरशिप फर्म भी वहां पे हालत खराब हो जाती है उसकी, बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, एक तो फंड का कंस्ट्रेंट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फंड का कंस्ट्रेंट आ जाएगा। Yes, sir. दूसरा कंस्ट्रेंट किसका आएगा बेटा? स्केल ऑफ ऑपरेशन का, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. स्केल ऑफ ऑपरेशन समझ रहे हो ना, कि मतलब आप अपना ऑपरेशन किस लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो अगेन वहां पे लिमिटेशन दिख रही है। तीसरा और क्या, और क्या लिमिटेशन आ सकता है बेटा? फंड, फंड का तो आ गया। हाँ जी, हाँ, कंप्लायंस का, कंप्लायंस का आ सकता है, आ सकता है या नहीं आ सकता है? कंप्लायंस का प्रॉब्लम आएगा, और कंप्लायंस के प्रॉब्लम के साथ साथ आपने बोला है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी बेटा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब आपका 50 साल का मेहनत भी बर्बाद हो सकता है अगर किसी पार्टनर ने बर्बाद कर दिया, बोलो हाँ या ना? Yes, एक पार्टनर की गलती सब पार्टनर को भुगतना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. तो हर एक पार्टनर क्या चाहता है बेटा, कि मेरी जो लायबिलिटी है वो क्या हो, लिमिटेड लेवल पे हो, बोलो हाँ या ना? और वो ये भी चाहता है कि अगर फर्म कुछ गड़बड़ करे, अगर सारे लोग मिलके गड़बड़ करते तो मुझे उस पे कोई घसीटा ना जाए, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ इसमें, यस और नो? यस। अगर जब ऐसे थॉट प्रोसेस आते हैं तो बंदा बोलता है कोई ऐसी एंटिटी बनाओ यार कि कलेक्टिव पावर अलग हो, इंडिविजुअल पावर अलग हो, बोलो हाँ या ना? कलेक्टिवली अगर कोई कुछ गलत करता है तो इंडिविजुअली कोई इंडिविजुअल पर्सन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यस नो? बराबर है, नहीं है? यस। तो बोले क्या किया जाए ऐसा, बोले एक काम करो, ये जो अपन बिजनेस बना रहे, एक बात होता प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसके नाम पे होती है बेटा? ओनर के नाम पे। प्रोप्राइटर बिजनेस अपने आप में कुछ नहीं करता, जो करता है ओनर करता है, यस और नो? यस। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो भी करता है पार्टनर करता है, फर्म कुछ भी नहीं करता, फर्म के नाम पे काम किया जाता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। काम करने वाला कौन है बेटा? पार्टनर्स। पर कंपनी के केस में याद रखना, कंपनी के केस में जो मेंबर्स थे, कौन से थे मेंबर, ये अलग थे, ये क्या करते थे बेटा? पैसा लगाते थे कंपनी में, क्या करते थे? कंपनी को क्या दे दिया? फंड दे दिया। क्या दे दिया? फंड दे दिया। पर जो काम करने वाला था बंदा, जो जिम्मेदार बंदा था, वो कौन था? उसको कौन बोला गया? उसको क्या बोला गया बेटा? डायरेक्टर। क्या बोला गया? डायरेक्टर। और जो फंड लगाने वाला था उसको क्या बोला गया बेटा? शेयर होल्डर। क्या बोला गया? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बेसिकली क्या करता है बेटा? पैसा लगाता है, बोले काम करो। कौन काम करेगा बेटा? डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना? मूवी बन रही है, पैसे किसने लगा दिए? प्रोड्यूसर ने। मूवी बना कौन रहा है बेटा? डायरेक्टर और एक्टर, बोलो हाँ या ना? प्रोड्यूसर कुछ कर रहा है क्या? प्रोड्यूसर सिर्फ क्या कर रहा है, कितना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, ये लो बना के दो। तो पूरी मूवी को गाइड करने वाला कौन है? डायरेक्टर। पूरी मूवी को गाइड करने वाला कौन है बेटा? डायरेक्टर। नाम डायरेक्टर है, डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो डायरेक्ट कर रहा है, ये सुनो, मूवी को क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है। कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है मतलब कंपनी को किस दिशा पे ले जाना है, क्या करवाना है कंपनी से, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर डिसाइड करेगा, यस और नो? पर चूंकि पैसा किसका लगा हुआ है बेटा? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर भी चाहता है कि आप जो भी काम करो उसका पूरा काला चिट्ठा मुझे पता होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? यस सर। पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोले साहब कोई बात नहीं है, काम करने वाला कौन? आप।
एक बात बताओ, जो काम करेगा गलती कौन करेगा बेटा? जो काम कर रहा है वही गलती करेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो शेयर होल्डर बोल रहा है यार मैंने तो पैसा लगाया, किस दिशा में कंपनी को ले जाना? कंपनी को गड्ढे में डुबा दो, कंपनी से फ्रॉड करवा दो, कंपनी से स्मगलिंग करवा दो, किसके हाथ में? शेयर होल्डर या डायरेक्टर? डायरेक्टर के हाथ में। अगर डायरेक्टर कुछ भी गलत करता है शेयर होल्डर क्या बोलेगा? भाई मैंने पैसा लगाया है, बोलो हाँ या ना? पैसे लगाया है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम जिम्मेदार होगे, मैं जिम्मेदार नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। और चूंकि डायरेक्टर भी एक नहीं होते, पावर किसके पास होती है बेटा? बोले एक डायरेक्टर के पास पावर दे दोगे पूरी, वो तो लुटा देगा पूरे कंपनी को, बोलो हाँ या ना? जस्ट लाइक अगेन प्रोपराइटर फर्म, एक ही डायरेक्टर मैनेज कर रहे, बोले नहीं 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 डायरेक्टर भी बहुत सारा होना चाहिए, देयर हैज टू बी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और इनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेटा पावर, पावर किसके पास है अब? पावर डायरेक्टर के पास नहीं है, इंडिविजुअल पावर तो थोड़ा बहुत रहेगा यार एक डायरेक्टर के पास, जिम्मेदारी है सबकी, पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा बेटा? बोर्ड लेगा। कंपनी के बारे में जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा बेटा? बोर्ड लेगा। बताओ बोर्ड और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है या एक ही है? कम ऑन एवरीवन। सर डायरेक्टर इंडिविजुअल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सब आते हैं जितने भी डायरेक्टर। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ बोर्ड और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है या एक ही है? एक बात बताना, यहाँ पे बैठा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नाम है डायरेक्टर के, बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा? पूरे कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ तो बोर्ड कौन होगा बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, बोलो हाँ या ना? यस सर। एक ये स्ट्रेंथ, बोलो हाँ या ना? मेरा एक मुक्का और मेरे जैसे 10 लोगों का एक साथ मुक्का आ जाए, बताओ जरा फटाफट किसके में पावर ज्यादा है? सर 10 के, 10 मुक्कों में ज्यादा पावर होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। तो 10 लोग मिलके जब किसी भी चीज को अपलिफ्ट करेंगे वो हो जाएगा बट अकेले अकेले होएगा क्या? नहीं होएगा, समझना। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि बोर्ड और डायरेक्टर सेम है क्या? लीगल लैंग्वेज में बोलो सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है, डायरेक्टर अलग है। हाँ भले ही आप ये बोल दो कि डायरेक्टर मिलके बोर्ड बना रहे हैं, बोलो हाँ या ना? मतलब डायरेक्टर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ रहा है, बराबर है क्या? पर जो ए है, ए का पावर जो है वो इंडिविजुअल पावर है, यस और नो? इंडिविजुअल पावर ऑफ डायरेक्टर, यस और नो? यस। पर इंडिविजुअल पावर ऑफ डायरेक्टर क्या होता है कि मैंने मिस्टर ए को बोल दिया कि आपने इंटरनल कंट्रोल देखना है, क्या देखना है बेटा? इंटरनल कंट्रोल देखना है, तो इसकी पावर इतनी। बी को मैंने बोल दिया आपने पूरा परचेस पे ध्यान रखना है, बोलो हाँ या ना? सी को बोल दिया मैंने आपको कस्टमर पे पूरा ध्यान रखना है, हो सकता है? ये इंडिविजुअल पावर हो गई, बराबर है क्या? यस और नो? पर अब मान लो कोई मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये कंपनी के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है कि कंपनी को एक्सपैंड करना है नहीं करना है, कंपनी को और आगे ले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लाना है नहीं लाना है, ये जो डिसीजन है बेटा ये कौन लेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन लेगा? सारे मिलके लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा मिलके, मतलब अब कलेक्टिव चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, अब मान लो कोई डिसीजन लिया जा रहा है और ए ने बोल दिया नहीं 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 मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके साथ नहीं, मैं इस डिसीजन के साथ नहीं, मैं खिलाफ हूँ इस डिसीजन, बताओ वो डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? मतलब ये सारे बोर्ड का डिसीजन एक रास्ते पे होना चाहिए तभी डिसीजन लिया जाएगा, तो ऐसा तुमको लगता है कभी पॉसिबल होएगा? नो सर। 10-12 डायरेक्टर है, एक का तो मन इधर उधर हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। मे बी बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, मे बी बाय रीजन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी बाय रीजन ऑफ यू नो दैट अनअवेयर अबाउट दोज थिंग्स, यस नो? हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। yes, ये बोले कि सर ऐसा नहीं, जब भी डिसीजन लिया जाएगा किसके बेसिस पे लिया जाएगा बेटा? मेजोरिटी के बेसिस पे। इसके बेसिस पे मेजॉरिटी, मतलब कम से कम 8 लोग हैं, 8 में से कितने? 5 लोगों का डिसीजन जिस डायरेक्शन पे होगा वही डायरेक्शन ले लिया जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर सर। यस। अच्छा अब मान लो, अब इनको जो पावर दी गई है बेटा, दी गई है पावर, बोलो हाँ या ना? पावर दी गई होगी इनकी पावर। अच्छा कोई भी डायरेक्टर अपने बियॉन्ड द पावर भी जाके काम कर सकता है? उसका मूड में आगे क्या कर लोगे तुम? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर, वो कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तुम बोले साहब तुम करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर भुगतने के लिए रेडी रहना, हाँ या ना? अगर तुम ऐसा कोई काम करते हो भुगतने के लिए, बोले कहाँ लिखा है कि साहब ये नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कहाँ लिखा हुआ कि ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मुझे कोई तो भी क्या बनाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे इनके सारे के सारे लोगों के जो जो भी पावर है वो दिए जाए, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, कंपनी भी जो आप बना रहे हो बेटा उसका भी कोई पर्पस होगा, बोलो हाँ या ना? वो पर्पस भी लिखा जाना चाहिए, और कोई भी डायरेक्टर उस पर्पस के अगेंस्ट में जाके काम नहीं कर सकता, हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? अच्छा, कितने पैसे पे काम करना है, तो बजट डिसाइड करेगी कंपनी की नहीं करेगी? भाई किसी बजट पे काम कर, क्या कोई भी पार्ट बंदा ऐसा है, डायरेक्टर ऐसा है बियॉन्ड द बजट जाके काम कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी डायरेक्टर, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी डायरेक्टर बियॉन्ड द पावर जाके काम करता है उसको पेनाल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, इनको पेनाल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या लगता है आपको? पेनाल्टी लगेगी? यस 100% लगेगी। तो भाई साहब ये पावर जो जहां पे लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक बोलते हैं MOA और दूसरा बोलते हैं बेटा AOA, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब जैसे हमने MOA और AOA ड्राफ्ट कर दिया, यस सुनो, तो इनको क्या मिल गया बेटा? एक लिमिटेशन मिल गया, क्या मिल गया कि इसी दायरे में रह के काम करना है, बोलो हाँ या ना? मतलब जो जो बातें यहाँ पे लिखी होगी आप वही वही करोगे, उसके आगे नहीं करोगे। नंबर टू, इन बातों के लिए जो लिमिट दी होगी उसी लिमिट के अंदर काम करोगे, उसके आगे नहीं करोगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस, तो बताओ ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर। ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये जैसे आप बोल सकते हो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, बोल सकते हैं क्या? इट इज जस्ट लाइक व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया कैसे काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा, बोलो हाँ या ना? तो उसी तरह कंपनी जो भी काम करेगी वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? एमओए। आप एमओए और एओए के बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? या सुनो, और अगर बाहर जाके काम करना है तो पहले एमओए और एओए को चेंज करना पड़ेगा, वो चीज उसमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर आप क्या कर सकते हो काम, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये लोग काम कर रहे हैं, और ये कंपनी भी डेफिनेटली उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो होगा, बोलो हाँ या ना? प्रोडक्ट या सर्विस होगा। अब ये प्रोडक्ट या सर्विस किसके साथ डील कर रही होगी बेटा? कस्टमर के साथ, बोलो हाँ या ना? यस सर। बोले कस्टमर को कैसे पता भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, इनके पावर क्या है, इनके पर्पस क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कस्टमर को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। यस नो, कस्टमर को कंपनी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ या ना? पता चला तुम कस्टमर को कुछ भी कहानी बना रहे हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी है ही नहीं कंपनी में, कस्टमर क्या करेगा, मर जाएगा बेचारा, बोलो हाँ या ना? पैसा लगाने वाला तो कौन था बेटा? शेयर होल्डर था। अब कस्टमर आया, कस्टमर बात कर रहा है भाई ऐसा ऐसा काम करना है, वो बोले हाँ हो जाएगा साहब, एक्चुअल में कुछ नहीं होना था, तो कस्टमर लुट जाएगा कि नहीं? तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है, क्या पर्पस है उसका, मतलब कस्टमर को किसकी जानकारी होनी चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, AOA MOA की, यस और नो? जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी के साथ भी काम करने के लिए क्या बनाते थे बेटा? एग्रीमेंट बनाते थे, हाँ या ना? यस सर। यस, पर चूंकि वहां पे एक ही ओनर होता था तो इंटरनली कोई एग्रीमेंट नहीं बनता था, पार्टनरशिप फॉर्म में दो एग्रीमेंट बनते थे, एक तो कस्टमर के साथ, बोलो हाँ या ना, और दूसरा पार्टनर का फर्म के साथ, दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो वहां पे पार्टनरशिप डीड ये बताता था कि हर एक पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, बराबर है? और पार्टनरशिप डीड जो है इसको शेयर की जाती थी बेटा, कस्टमर को किया जाता कि ये देखिए हमारा डीड ये है, ऐसे ऐसे हम काम करते, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सेम वे जब कंपनी किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ काम कर रही है तो इसका जो ये MOA AOA होता है इसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। जब भी आप कस्टमर के साथ कोई भी डील करोगे क्या MOA AOA शेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर डायरेक्टर कोई मान लो क्या इशू कर रहा है बेटा, कैपिटल चाहता है, तो क्या पब्लिक से कैपिटल ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है। पब्लिक से ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है। तो पब्लिक वो क्या बना रहा है बेटा? शेयर होल्डर बना रहा है। तो पब्लिक को लगा एकदम लंबा फेंकने, बोले हमारे पास ये, हमारे पास वो है, हम अभी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी इतना प्रॉफिट आएगा, हम आपको इतना डिविडेंड देंगे, हो सकता है बेटा? यस सर। हाँ, वो बंदा पब्लिक बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ बहुत बढ़िया साहब, अच्छा बोल रहे साहब, मैंने भरोसा कर लिया आपकी बात पे, क्या मजेदार बात की है साहब,
ये लो पैसा साहब 10 करोड़ 50 करोड़ दे देगा, ऐसा है क्या? नो सर। वो क्या बोलेगा, ये जो तुमने बोला है इसको प्रूफ दिखाओ मेरे को, बोलो हाँ या ना। क्या वो एमओए एओए मांगेगा कि नहीं मांगेगा? यस सर। एमओए एओए मांगेगा और एमओए एओए को गो थ्रू करेगा, उसको लगेगा कि जो इनने बात कही है वही बात अगर एमओए एओ में है और उसको लगता है कि सारी चीजें ओके है, फ्यूचर में है प्रॉफिट, कंपनी में प्रॉफिट है, तो फिर वो अपना पैसा लगाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बॉस जो कंपनी है, ध्यान से समझना, कंपनी अगर कोई काम कर रही है, तो एक बात बता, कंपनी ने अगर कुछ गलत कर दिया, डायरेक्टर ने कुछ गलत कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ गलत किया, शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नो सर। नो सर। इस केस में जो ये तरीका है काम करने का, ये पूरा मैकेनिज्म चेंज हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंबर है वो बोला मैं अलग और कंपनी जो है अलग है, बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं कंपनी का ओनर हूँ पर मेरी आइडेंटिटी अलग है, मैं किसी के साथ डील नहीं कर रहा, बोलो हाँ या ना। मैं डील कर रहा yes, क्या? sir. मैं, अरे मैं कहाँ से डील कर रहा, मैं डील नहीं कर रहा, ओनर डील नहीं कर रहा, कौन डील कर रहा है? कंपनी डील कर रही है। कौन डील कर रहा है? कंपनी डील कर रही है। कंपनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो किया किसने किया बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो पेनाल्टी लगानी किसको लगाओ बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाओ, बोलो हाँ या ना। अच्छा, पब्लिक का पैसा किसके पास आ रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, मेंबर के पास या कंपनी के पास? सर कंपनी के पास। कंपनी के पास आ रहा है। आ रहा है बात समझ? तो अगर कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है तो पेनाल्टी किससे लोगे आप, मेरे से या कंपनी से? कंपनी से लोगे। और क्योंकि कंपनी के हाथ पैर तो है नहीं, बराबर है ना, आर्टिफिशियल बॉडी है, कंपनी के हाथ पैर है नहीं, काम कौन कर रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पेनाल्टी और किससे लोगे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? शेयर होल्डर बोला भैया मेरी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पे मेरी गलती है, आप वहां से इंडिविजुअली मेरे से पेनाल्टी ले सकते हो, बोलो यस और नो। यस सर। हर जगह पे मेरे से पेनाल्टी नहीं ले सकते हो भले ही मैं ओनर ऑफ द कंपनी हूँ, बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर सर। यस हाँ, किसी को डाउट है बेटा? ओके ना, अब एक बात बताओ, मेंबर को सपना आएगा क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है? नो सर। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गड़बड़ करता है उसको तुरंत पता चल जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गड़बड़ किया है, कुछ दिन बाद पता चलेगा? बाद में सर। बाद में पता चले। अब जब भी पता चलता है तो बताओ जरा फटाफट से, उसके पास पावर है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछ ले भाई क्यों गड़बड़ किया? पावर है क्योंकि उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी, इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, यस और नो, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज जस्ट एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, उसके पास पावर है, बोलो हाँ या ना। बट पावर किसने दिया है? पावर किसने दिया है? कंपनीज एक्ट ने, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स। नाम सुना है? यस सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स क्या क्या मतलब बोलते हैं बेटा? मुझे अगर चेक करना है तो क्या उठा दो? घूंघट उठा दो। घूंघट उठाओगे, पर्दा उठाओगे तो पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, आपका जब मूड बना तो आपकी किसी की भी इज्जत पे वार नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वॉल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इज्जत लूट जाएगी कि नहीं लूट जाएगी? यस सर। बोले आप यार आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे स्टेटस पे, आप हमारे काम करने के तरीके पे क्या कर रहे हो आप? शक कर रहे हो साहब, मेरी इज्जत बर्बाद कर रहे तुम। ये सुनो, ये मैं नहीं करने दूंगा, जाओ आगे जाके कोर्ट पे जाओ और वहां से क्या लेके आओ, ऑर्डर लेके आओ। हाँ तो कोर्ट पूछेगा, हाँ भाई साहब कैसे आ गए, मुंह उठा गए? बोले साहब वो मेरे को डाउट आ रहा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गड़बड़ कर रहे। बोले कुछ प्रूफ है क्या? बोले प्रूफ नहीं। बोले निकल यहाँ से। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस नो, तो कहने का मतलब वो क्या बोलेगा कोर्ट, भैया आगे कुछ प्रूफ लेके आओ, कुछ शक है, किस बेसिस पे आप शक कर रहे हो, क्या गुनाह किया उन्हें? अच्छा चलो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो ये कितनी बार ऐसा हुआ है? आ रहा है बात समझ में? परसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, चेक किया जाएगा नहीं चेक किया जाएगा, इसके बाद ही कोर्ट ऑर्डर देगा। जब कोर्ट ऑर्डर देगा और आप चेक करोगे, बोलो हाँ या ना। और अगर कुछ भी गड़बड़ निकला तो बोलो जरा फटाफट से, पेनाल्टी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर बताओ, कहानी समझ में आई नहीं आई कंपनी की? यस सर। कंपनी की कहानी समझ में आएगी नहीं? तो कंपनी के काम करने का तरीका बताओ जरा फटाफट से, अलग है या नहीं है? यस सर। अलग है। कंपनी इस केस में अलग है, मेंबर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर्स अलग हैं, सबकी रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज अलग है। कंपनी को जो पावर दिया गया वो किस में दिया गया बेटा? एमओए और एओए में दिया गया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
तो ये एक जनरल ब्रीफ था जो मैंने आपको कंपनीज के बारे में बताया. फिर अभी मैं बताऊंगा कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे काम होता है, इनकॉर्पोरेट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में कौन कौन से सिचुएशन है जिसके जिसके तहत इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है. ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके सिलेबस में दी हुई है. बाकी पूरा सेक्शन 148 तक का जो सेक्शन है वो कहाँ पे दिया हुआ बेटा, सीए एंटर पे दिया हुआ है. कहाँ पे दिया हुआ है? सीए एंटर पे, जो कि हम डिस्कस करेंगे कब, जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा. आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाओगे, मुझे मिठाई खिलाओगे, तब हम डिस्कस करेंगे क्या बेटा सीए एंटर का. मिठाई खिलाओगे कि नहीं? यस सर. झूठ बोल रहे यार, नहीं खिलाओगे तुम लोग, झूठ बोल रहे, नहीं खिलाओगे. सब पार्सल कर देंगे. हाँ, क्या क्या कर दोगे बेटा? पार्सल कर देंगे आपको. आपका प्यार है बिल्कुल, मैं मिठाई खाने आ जाऊंगा, टेंशन मत लो. ये मेरा हक है, मिठाई खाना मेरा हक है कि नहीं है? राधे जी, पूरा एक एक के घर आऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लो. सर मेरे तो बगल में ही है आपका. हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया. राइट. और कोई बात नहीं बेटा, अगर घर नहीं आ सका तो कम से कम सपने में आके मिठाई तो खा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. यस और नो? मैं मेरे को पता है बेटा, मालूम है क्या, जब सीए का रिजल्ट आता है ना तो सपने बड़े खतरनाक खतरनाक आते हैं. मालूम है कैसे आते हैं? आपको आया है नहीं आया मेरे को पता नहीं, पर जब मैं सीए फाइनल क्लियर हुआ था ना तो क्या सपना आता था पता है क्या? मेरी टायर पंक्चर हो गई, एग्जाम चल रहा है, टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, अब मैं एग्जाम में ही नहीं पहुंच पाया. मतलब समझ रहे क्या, झटके लगते थे, उठता था, रिजल्ट देखता था, नहीं 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 पास हो गया, पास हो गया, फिर सो जाता था. ये झटके थे सीए फाइनल के. आया समझ में? इतना 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 कौन है रे भाई? हाँ, तो ये जो खौफ है ना बेटा, ये जो खौफ है ना, यही आपको पास कराएगा. सच बता रहा हूँ, ऐसा खौफ कहीं पे भी नहीं है. ये सोचो ना, जब आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ोगे, है ना, टेंशन तो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. डर रहेगा कि नहीं रहेगा? फेल नहीं होना चाहिए भगवान, फेल नहीं होना चाहिए भगवान. ये सुनो, नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है एक दिन पहले, बोलो हाँ कि ना? यस सर. यस सर. नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है उस दिन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है? yes, तो, हाँ, कम से कम वो कितना भी ना चाहे, बोले भगवान बचा लेना, हाँ कि ना? सही है ना? जिसने कभी माँ बाप के पैर भी ना छुए ना, उस दिन भी माँ बाप के पैर छूता है वो. रोज छूता होगा, अच्छी बात है, बट मैं बता ना, एकदम एक्सट्रीम नास्तिक आदमी भी ना, ध्यान रखना प्लीज, है ना? जितने भी लोग मेरे भाई, ध्यान रखना भगवान, ध्यान रखना सारे सारे देवी देवता, मम्मी पापा, कभी ब्लेसिंग्स अगर ना भी लो, बड़े ढीठ आदमी हो, कभी ब्लेसिंग्स नहीं दिया हो, सीए फाइनल, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, सीए फाइनल, सीए का एग्जाम ऐसा है कि आपको डिसिप्लिन दे देगा, बड़े बड़ों को सुधार देता है सीए, सच्ची बता रहा हूँ. आ रहा है बात समझ में? यस सुनो. यस सर. यस सर. और सबसे अच्छी बात है यार सीए की, सीए अगर कुछ भी नहीं, आप सीए में आ गए हो ना, तो एक चीज लाइफ में ना अपने आप आ जाती, मालूम है क्या? क्या? डिसिप्लिन. आती है नहीं आती है? सबको आ जाती है. yes. आप अपने आप को देखो ना, 12th में आप क्या थे, आप क्या थे, क्या हो गए, देखो ना क्या हुआ ऐसा तुम्हारी जिंदगी में, कुछ पन्ने ही तो आए थे. हाँ, और जिंदगी का रंग रूप बदल के चले गए, बराबर यही है ना? yes, तो 12th में जितना मस्ती करना, 11th में, और ये मालूम है कि ये बच्चों के साथ ना, स्टूडेंट के साथ, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा बदसलूकी की जाती है, मतलब उनके साथ जो है ना, उनको मतलब ऐसा झूठा आश दिखाया जाता है. क्या दिखाया जाता है 11th में? बेटा ये 11th है, 10th नहीं है, हाँ इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी ये 11th कर लो, 12th आएगा ना एकदम इजी है, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, मेन 11th है. जब आप 10th में होते, बोलते बस यही 10th है, एक बार 10th पास हो गए ना, 11th 12th तो यूँ ही ऐसे ही निकल जाता है. फिर जब आप 12th में आते हो तो बोलते ये बोर्ड है बेटा, ये पढ़ ले, आगे की जिंदगी तो मज़ेदारी है. और जब आपके 12th में 80-90 मार्क्स, कितने लोगों के 80 प्लस हैं, 90 है किसी का? किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, देखने दो मेरे को. हाँ, रितिका का है, और किसका है 90 प्लस, और कोई है, और कोई है, और कोई है, हाँ तो बता दो जी, बताओ बेटा सीए करने का कब सोचा था? 11th में सोच लिया था, मतलब yes, मतलब कॉमर्स लेने के बाद सोच लिया था सीए करना है, बराबर है ना? मैं गारंटेड गारंटी लेता हूँ, सारे बच्चों की गारंटी लेता हूँ, सीए करने का वही सोच सकता है जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, 80-90 प्लस. अगर 10th में 80-90 मार्क्स आ गए होंगे,
उस समय जो हौसला होता है ना इंसान के अंदर, जज्बा जज्बा जो होता है कुछ कर गुजरने का, अरे यार ये तो एकदम फाड़ डाला, अब तो कुछ और खतरनाक आना चाहिए, और एकदम टफ आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं था, ये तो एकदम आराम था, सबसे टफ आना चाहिए, हाँ या ना? उदय नहीं होती। और जब सबसे टफ आता है हाँ, तो उस समय तो हौसला होता है आदमी को, जज्बा भी होता है कि कुछ तो भी एकदम खतरनाक सा करना है, ये सुनो ऐसे ही होता है ना। ऐसा तो कोई नहीं सोचता यार पैसे ज्यादा कमाना है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। क्या सोचता है वो कि उस तो भी अच्छा कोर्स करें जो टफ कोर्स हो, करने में मजा आ जाए, बोलो हाँ या ना? ऐसा यस सर। और जब घुसता है आदमी पहला अटेम्प्ट, एक नंबर, मजा आ गया भाई साहब, पहली बार पढ़ाई किया मजा आ गया, कसम से बोल रहा हूँ अटेम्प्ट मत लगने देना मेरे भाई, मेरी बहनें सभी को बोल रहा हूँ अटेम्प्ट मत लगने देना, क्योंकि ये जो हौसला है ना, ये जो जज्बा है ना, ये पहले अटेम्प्ट का जो होता है ना, ये अलग ही होता है, ये तो अलग ही होता है, इसके बाद तो बस भगवान निकाल दे, बस निकल जाए, हाँ ऐसा होता है। तो कोशिश करो, कोशिश करो, दिमाग में रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ये मतलब नहीं बोल रहा कि मैं एक अटेम्प्ट देके खिसक लिए, पास हुए पास, फेल हुए फेल, ये मतलब नहीं बोल रहा। पढ़ाई ऐसे करनी कि जैसे ये मान के चलो कि बस आज ये अंतिम जिंदगी है, अंतिम दिन है, अब इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, अब इसके बाद कोई लाइफ नहीं, इसके बाद कोई सांसें नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब खत्म हो जाना है सब कुछ, ऐसे पढ़ाई कर लेना, समझ रहे? इसके बाद फेल भी हो गए ना, यस कोई फर्क नहीं पड़ता, पछतावा नहीं होना चाहिए कि मौका मिला था और कर नहीं पाए, है कि नहीं? मौका सर। मिला था कर नहीं पाए, बस इस चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए। फेल और पास होना यस आपके हाथ में नहीं है बॉस, है ना? जब भी किसी से नजरें मिलाओ तो नजरें मिला के कह सको मैंने मेहनत अपनी पूरी की थी। दोष देना है तो नसीब को दोष दे देना, वो चलेगा, खुद को दोष मत देना, हाँ या ना? क्योंकि खुद को दोष अगर दे दिया, सर। नहीं मुझे मौका मिला था, मैं ही मेहनत नहीं किया यार, तो उससे बड़ा जो मतलब मैं बोलता हूँ ना, अब खुद के साथ गलत काम जो होता है ना, ये होता है सबसे बड़ा, खुद के साथ गलत काम यही होता है। इसके बाद अगर नसीब में नहीं आया तो वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, ओके यार ठीक है मैं पढ़ाई तो किया था बट ये चीज नहीं समझ में आई, या कुछ रह गया बिकॉज ऑफ सम यू नो दैट वर्कलोड आ गया, दिमाग खराब हो गया, जो भी है एक्स वाई जेड, वो सब टॉलरेबल है, पर ये टॉलरेबल आपको कभी भी नहीं होगा मौका मिला था और नहीं कर पाए, हाँ या ना? और कसम से बोल रहा हूँ यस इस उम्र में, जो आपकी उम्र है बेटा लोग ना, ठीक है, इस उम्र में ज्यादा बहकता है आदमी, बहकता है नहीं बहकता, बहकता है ना? तो मैं बोलता हूँ सब बहको, सब कुछ सब चलेगा, पर अपने मुद्दे से, अपने डेस्टिनी से, अपने लक्ष्य से मत भटकना। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, सर। है ना? यस सर। बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बेटा, मोहब्बत करने के लिए, इश्क करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई है, पड़ी यस हुई यस है कि नहीं? और जेब में पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, सारे रिश्ते टूट जाते हैं, यस सर। ये सुनो, जब जिंदगी में गरीबी आती है ना, जब जिंदगी में गरीबी आती है तो पैसे बाद में जाते हैं जेब से, रिश्ते पहले चले जाते हैं, याद रखना इस चीज को, हाँ जेब पहले खाली, जेब बाद में खाली होएगा, रिश्तों से पहले खाली हो जाओगे तो जिंदगी में, हाँ इस जिंदगी में घोर कलयुग है बेटा, यहाँ रिश्ते साथ नहीं देते, यहाँ जीवन में क्या साथ देगा? पैसा। पैसे और याद रखना अगर सबसे बड़ी नरक, या यूं कह लो सबसे बड़ा कोई नरक है इस दुनिया में, वो कौन सा नरक है पता है? गरीबी। गरीबी, गरीबी का नरक है ना? क्योंकि ये नरक ऐसा है जहाँ पे आपका सम्मान चला जाएगा, आत्मसम्मान चला जाएगा, और आपसे आपके सामने ना जैसे छोटे छोटे किन्नू किन्नू से जो लोग होते हैं ना, ये भी अपनी औकात बता के चले जाएंगे, ये याद सबसे रखना, पहले कॉन्फिडेंस चला जाता था। कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही, मैं बता रहा हूँ ना, गरीबी में आए या आप अगर रोटी के लिए मोहताज हुए, पैसों के लिए मोहताज हुए, तो फिर बता रहा हूँ ना, आपके जो औक्स औक्स समझते हो ना, औकात से बहुत छोटे लोग भी ना अपनी औकात बता के चले जाएंगे तुमको, और सिर्फ तुम देखते रह जाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे, और इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी निंदा कुछ नहीं हो सकती है। आ रहा है बात समझ में? तो कोशिश करो, कोशिश करो कि अपने आप को इस प्रकार इस काबिल बनाओ कि कोई आपको उंगली ना उठा पाए, यही 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 सक्सेस मंत्र है बेटा,
पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि अपने को सब याद रखना है, पढ़ाई अपन इसलिए कर रहे हैं अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, है ना? इसीलिए कर रहे ना, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए तो नहीं कर रहे हो। कितने दिन तक कॉन्सेप्ट याद रखोगे यार दिमाग में, आप बताओ ना, नहीं याद रख सकते हो। तो पढ़ाई आप इसलिए करो कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाओ, पहुंच जाओ, है ना। आज जो आप देखो आप पढ़ोगे एक साल बाद भूल जाओगे ना, जब तक आप बार बार उसको नहीं पढ़ोगे आप भूल जाओगे, इट्स अ ह्यूमन नेचर, यस और नो, आप भूल जाओगे उसको। तो जिंदगी में क्या, और मैं आपको बता रहा हूँ आप भूल क्या जाओगे बेटा, भूल क्या जाओगे समझना, सिर्फ ये कंटेंट भूल जाओगे आप, पर कभी इस कंटेंट की जरूरत पड़ गई ना, एप्लीकेशन की बात आ गई ना, वो तुरंत आपको याद हो जाएगी। क्योंकि उस समय क्या आ जाएगी बेटा, मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी, आप इससे आगे लेवल पर पहुंच जाओगे। बताओ जब आप LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे, आपको वहां की चीजें समझ में आती थी क्या? नहीं आती थी ना, नहीं आती थी ना। आज वो चीजें याद है क्या? नहीं याद है ना, बट बेहतर तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आज? यस सर, यस सर। अगर आपको कोई उन क्लासेस की बुक दे दे तो क्या आप पढ़ नहीं सकते हो? पढ़ सकते हो, और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, बिकॉज वो मैच्योरिटी लेवल आ गया। सेम वे यहाँ पे होगा, जब आप CA बन जाओगे तो आज जो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत टफ लग रहे, एक एक अकाउंटिंग का एक एक कॉन्सेप्ट, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस में आओगे या जॉब में आओगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके लिए, ईजी हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, आपकी एनालिसिस में आ जाएगा, और आपको इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आज आप रट्टा मार रहे हो। आ रहा है बात समझ में? तो आज इसलिए आप पढ़ रहे हो कि कल को अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो आपकी ये दिमाग में रहे, और जब भी इनको अप्लाई करने का समय आए तो आप इनको बखूबी जो है अपनी लाइफ में या अपने जॉब में अप्लाई कर सकते। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को पढ़ते चलो, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, यही करते हैं ना, पढ़ते जाओ छोड़ते जाओ, पढ़ते जाओ छोड़ते जाओ, पढ़ते जाओ छोड़ते जाओ, वो अपने आप एक्यूमुलेट हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, है ना। तो वो होगा 100% दिमाग में रहेगा, कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके दिमाग से परमानेंटली डिलीट हो जाए। जैसे ही वो चीजें आपके सामने आएगी, सारी चीजें आपके सामने वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। हाँ बस इस तरीके से करना है, मस्ती से पढ़ना है, अपने को एक जगह पे ले जाना है जहाँ पे आपकी बेहतर तरीके से आप खुद की सम्मान कर पाओ। देखो खुद का सम्मान करोगे तो दुनिया सम्मान करेगा, बराबर है क्या? आप खुद का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, आप खुद का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, दुनिया खाक रिस्पेक्ट देगा यार? नहीं देगा वो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट को कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट को कमाना पड़ता है। कभी खून बहा के, खून करके नहीं बोल रहा मैं, खून बहा के, पसीना बहा के, समय डिवोट करके। आ रहा है बात समझ में? सम्मान। आप अगर ये बोलो कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट ना, कोई नहीं देने वाला है, बॉस देने वाला है क्या? नो सर, कोई नहीं देने। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं इतना ही कहता हूँ, बस अपना जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, सब कुछ लगा दो, सब कुछ। मोहब्बत करनी है ना तो कर लो अभी ICI से, एक टाइम पे एक ही से मोहब्बत करोगे ना कि पचासों से करोगे, एक ही से करोगे। तो दिस इज द टाइम टू लव सब्जेक्ट, दिस इज द टाइम टू लव ICI से मोहब्बत करो, सब्जेक्ट से मोहब्बत करो, कोर्स से मोहब्बत करो, उसको अपना बना लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अपना बना लो। रोज आलिंगन करो, एक्यूमुलेटेड रिविजन रोज आलिंगन करो उसका, रोज गले लगाओ हर कॉन्सेप्ट को। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। इतना प्यार किसी को दोगे तो वो नहीं होगा क्या तुम्हारा? यार कैसी बातें कर रहे हो? हो जाएगा, आप जिसको भी प्यार दोगे वो आपका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। सब्जेक्ट की औकात है कोई? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? मोहब्बत करो तो शिद्दत से, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ो। कंपनीज एक्ट जो अब जो भी चीजें हैं वो नेक्स्ट सेशन से अपन स्टार्ट कर देंगे, दो या तीन सेशन, मैक्स टू मैक्स तीन, तीन तीन मैक्स टू मैक्स, इसके बाद पूरा LLP। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय सर।